नवजीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल हमारे यहाँ ICU, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित, बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन, एबनॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। मिलने का पता: डॉक्टर कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग, शिव मंदिर, बड़हरिया रोड, सीवान, बिहार। प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो कि सिवान पुलिस को मिली है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। विगत माह फरवरी में 4 संपत्ति मूलक घटनाएं हुई थी और चारों बेहद संवेदनशील घटनाएं थी, क्योंकि CSP संचालकों के साथ ही घटनाएं हुई थी और एक रूटीन एक प्रोफेशनल गिरोह इसमें इन्वॉल्व था, जो कि हमारी शुरू के भी कयास ऐसे लग रहे थे। और इसी क्रम में जो है आज ये 24 घंटे की ये उपलब्धि है कि 4 अभियुक्त जो इसमें इन्वॉल्व थे, ये गिरोह के रूप में कार्य करते थे और लूट, डकैती एवं अवैध हथियारों की तस्करी, ये इनका मूल कार्य है। और ये लोग जो है पकड़े गए। उसके बाद इन लोग पास से जो है कल 11 बजे संध्या करीब 11 तारीख को संध्या करीब 5 बजे GB नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शाहगंज स्थित पंचमुहा पुल के पास से 3 मोटरसाइकिल के साथ 4 अपराधकर्मी जो आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किए गए। इस संबंध में GB नगर थाना कांड संख्या 104/24 दिनांक 11/3/2024 दर्ज किया गया और इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम हैं पृथ्वी कुमार, रितेश सिंह, करण कुमार और सुमित कुमार। बरामदगी जो इनके पास से हुई है, 4 देसी कट्टे, 6 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल जो कि घटनाओं में प्रयुक्त हुए हैं, मोबाइल फोन 7, स्मैक की पुड़िया, ड्रग्स की पुड़िया 44 और लूटा हुआ बैग, मोटरसाइकिल की चाबी और ID कार्ड, जिससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये इन घटनाओं में लूटे हुए सामान इन लोग पास से बरामद हुए हैं। 4 कांड जो उद्भेदित हुए हैं इस क्रम में, वो है GB नगर थाना कांड संख्या 58/24, GB नगर थाना कांड संख्या 62/24, GB नगर थाना कांड संख्या 71/24 और दरौंदा थाना कांड संख्या 41/24। ये गिरफ्तार चारों अपराधियों में से 2 जो है उनका आपराधिक इतिहास रहा है, जैसा मैंने बताया, लूट एवं डकैती एवं आर्म्स एक्ट का। और इस टीम में जो शामिल रहे हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं महाराजगंज, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष GB नगर अखिलेश कुमार, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष दरौंदा छोटन कुमार और STF और DIU की टीम जो जिले की है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उद्भेदन है कांडों का। और